हेलो फ्रेंड्स, तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि सास को प्रॉपरली और इजीली इंस्टॉल कैसे करते हैं। तो आज का ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को आप ध्यान से देखें, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अपना ब्राउजर ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मेरा ब्राउजर ओपन हो गया है और यहाँ पे रूबी इंस्टॉलर है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जब हम सास इंस्टॉल करते हैं तब हम रूबी के थ्रू यहाँ पे सास को इंस्टॉल करते हैं। पहले मैं यहाँ पे होम पेज पे चला जाता हूँ, ठीक है। तो सास को इंस्टॉल करने के लिए पहले क्या होना चाहिए, आपके पास एक फोल्डर होना चाहिए। तो उस फोल्डर को मैं उसका नेम है वो लगा देता हूँ सास। तो सास मैंने एक फोल्डर बना लिया है, उसके अंदर जाके मैं यहाँ पे एक और फोल्डर बना लेता हूँ जिसका मैं नेम लिख देता हूँ सेस, और उसका दूसरा भी फोल्डर बना लेता हूँ उसका नेम मैं लिख देता हूँ सीएसएस। आप यहाँ पे कोई भी नेम के फोल्डर बना सकते हैं, दो फोल्डर, ताकि आपको समझ आ जाए कि यहाँ पे हमें सास लिखना है और यहाँ पे हमारी सीएसएस ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगी। तो इस फोल्डर को मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ फ्रेंड्स कि सास को इंस्टॉल कैसे करते हैं। तो यहाँ पे मुझे लिखना होगा गूगल पे रूबी इंस्टॉलर। तो रूबी के थ्रू यहाँ पे हम सास को इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। तो रूबी इंस्टॉलर की ये ऑफिशियल साइट है, यहाँ पे हम चले जाते हैं और डाउनलोड पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको दिखाई देगा रूबी देव की 2.4.4264 बिट का जो वर्जन है वो, इसको आपको यहाँ पे डाउनलोड करना है। तो यहाँ पे इसको आप डाउनलोड कीजिएगा, और मेरे पास तो डाउनलोड है ही, इसलिए मुझे यहाँ पे इसे डाउनलोड दोबारा नहीं करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ, तो मेरे पास ये डाउनलोड है ही। तो यहाँ पे मैं डबल क्लिक करता हूँ और इसको रन करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आई एक्सेप्ट नेक्स्ट। तो ये जो सास इंस्टॉलेशन है वो रूबी के थ्रू हम करेंगे। पहले हमें रूबी इंस्टॉलर को पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा ताकि जो सास है हमारा वो यहाँ पे रूबी पे काम करता है। तो मैं आपको बताता हूँ कि ये वीडियो फ्रेंड्स मैं दूसरी बार बताता हूँ कि ये बहुत आईएमपी वीडियो है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा रूबी है वो इंस्टॉल हो गया है। तो यहाँ पे ये कमांड प्रॉम्प्ट का विंडो आएगा, उसको आपको क्लोज कर देना है। उसके बाद अब हम सास को प्रॉपरली इंस्टॉल करते हैं। पहले रूबी इंस्टॉल कर लिया है, फोल्डर भी हमने क्रिएट कर लिया है, अब हम यहाँ पे सास को इंस्टॉल करते हैं। तो यहाँ पे विंडो आर करके रन पे जाके आपको लिखना है CMD यानी कि कमांड प्रॉम्प्ट। कमांड प्रॉम्प्ट में जाके आपको इंस्टॉल करना है सास। तो यहाँ पे लिखना होगा GEM इंस्टॉल सास। तो यहाँ पे कमांड क्या है GEM इंस्टॉल सास, तो यहाँ पे आपको एंटर करना है। तो जो ये पहली बार होगा आपके लैपटॉप में या पीसी में, तो ये कुछ समय आपके पास से यहाँ पे टाइम लेगा, क्योंकि ये आपके पीसी और लैपटॉप में पहली बार है। तो ये जो इंस्टॉलेशन हो रहा है वो आपकी इंटरनेट के स्पीड पर डिपेंड है। तो ये सास का इंस्टॉलेशन शुरू हो गया है और अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंस्टॉलेशन कैसे हो रहा है। अगर ये बहुत देर लगा देता है तो आपको कोई चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पहली बार जब होगा तो यहाँ पे आपके सामने ये दिक्कत थोड़ी आएगी। तो ये उसकी सास की जो फाइल है उसका वर्जन है वो सब कुछ चेक होके डाउनलोड हो रहा है, ठीक है। आप पढ़ सकते हैं इंस्टॉलिंग री डॉक्यूमेंटेशन फॉर सास 3.5.7। तो यहाँ पे सास इंस्टॉल हो रहा है। तो यहाँ पे लिखा हुआ आ गया है 5 gems इंस्टॉल्ड। तो मैं आपको बता देता हूं कि आपके लैपटॉप और पीसी में सास इंस्टॉल अब हो गया है, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, सास इंस्टॉल तो हो गया, तो अब मेरा ये फोल्डर है उसके अंदर जो मैंने दो फोल्डर बनाए हैं इस फोल्डर को हमें अटैच करवाना है, यानी कि हमें कंपाइल करवाना है, क्योंकि जब हम इसमें सास लिखे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक ही सीएसएस क्रिएट हो जानी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ सीडी। तो पहले मुझे कहाँ पे मैंने फोल्डर क्रिएट किया है, डेस्कटॉप पे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सीडी डेस्कटॉप। तो मैं यहाँ पे डेस्कटॉप पे आ गया हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं डेस्कटॉप पे आ गया हूँ। और उसके डेस्कटॉप में हमारा फोल्डर कौन सा है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सीडी यानी कि कमांड डायरेक्टरी सीडी, और हमारा फोल्डर का नेम था सेस। तो यहाँ पे मैं फोल्डर में भी
एंटर हो चुका हूँ। तो यहाँ पे मुझे लिखना है सेस के जो दो फोल्डर है, दो हमारे जो दो फोल्डर थे उसको यहाँ पे वॉच करवाना पड़ेगा। तो वॉच करवाने के लिए कमांड है सेस माइनस माइनस वॉच, ठीक है, सेस माइनस माइनस वॉच, और उस जो दो फोल्डर हमें कंबाइन, यानी कि हमें जब वॉच करवाने, तो दो फोल्डर के नेम सेस कोलन और सी एस एस, ये हमारे दो फोल्डर थे। अब यहाँ पे एंटर लगाना है। तो यहाँ पे सेस इज वॉचिंग फॉर चेंजेस, तो यहाँ पे सेस की वॉचिंग शुरू हो गई है। जब हमारा ये फोल्डर है, फोल्डर में हम जाएंगे और ये सेस फोल्डर है, तो सेस फोल्डर के अंदर मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि एक मैं फाइल क्रिएट करता हूँ पहले। तो इस फाइल को मैं नेम दे देता हूँ स्टाइल डॉट सास। इस एक्सटेंशन का भी मैं यूज कर सकता हूँ और मैं ये एक्सटेंशन का भी यूज करता हूँ एस सी एस एस। इस दोनों में डिफरेंट क्या है मैं आपको बता देता हूँ। जब एस सी एस एस लिखते हैं तो जो हमारे सास है वो सी एस की सी एस एस की तरह हम लिख सकते हैं, कर्ली ब्रैकेट और वगैरह वगैरह में हम यूज कर सकते हैं। जब हम लिखता हूँ सेस तो ये इस एक्सटेंशन की फाइल में हम सिर्फ कर्ली ब्रैकेट और उसका हमें कोई सेमीकोलन का यूज नहीं करना है। तो बेहतर यही है कि हम सी एस एस का ही यूज करते, एस सी एस एस एक्सटेंशन दे दें और यहाँ पे एंटर कर देता हूँ मैं, ठीक है। तो ये फाइल मैंने क्रिएट कर ली है। अब आप बैक जाना है आपको, तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट हो चुका है और यहाँ पे सी एस एस के फोल्डर में हमारे पास ये स्टाइल डॉट सी एस एस अपने आप बन चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको एक बेसिक डेमो भी बता देता हूँ। तो यहाँ पे इसको मैं एडिट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे ये फाइल एडिट हो चुकी है और यहाँ पे सी एस एस की जो फाइल ऑटोमेटिक क्रिएट हुई है वो यहाँ पे इसे मैं एडिट कर लेता हूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हैं सोर्स मैपिंग यू आर एल स्टाइल सी एस एस, ठीक है। तो जब मैं यहाँ पे मान लो मैं यहाँ पे पी टेक में लिख देता हूँ सिंपल बेसिक कलर रेड, इसको मैं सेव करता हूँ तो जो ये स्टाइल सी एस एस है उसमें अपने आप ही ये क्रिएट हो चुका है और यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे अपनी सी एस एस कहाँ पे लिखनी है, यहाँ पे लिखनी है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इंडेक्स पेज अपने आप ही क्रिएट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं पेज का नाम दे देता हूँ इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। तो यहाँ पे इंडेक्स डॉट एच टी एम एल आ गया, इसको मैं एडिट कर लेता हूँ। हाँ, तो इंडेक्स एच टी एम एल में अपना एक फॉर्मेट बना लेता हूँ आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमें यहाँ एक बात बताता हूँ फ्रेंड्स कि यहाँ पे हमें कौन सी फाइल लिंक करवानी है। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि हमारी जो मेन फाइल है, जो ये फाइल है सी एस एस की जो अपने आप ही क्रिएट हो रही है, हमें वो फाइल लिंक करवानी है, ठीक है। यहाँ पे गलती से भी आप इस फाइल को लिंक नहीं करना है, इस फाइल को कहीं भी लिंक नहीं, यहाँ पे हमें सिर्फ लिखना है और हमारी फाइल है वो मेन फाइल ये है, ठीक है। तो इसको मैं नेम कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे सी एस एस फोल्डर और उसके अंदर ये हमारी फाइल है, तो यहाँ पे मैं सेव कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पी टेक, सॉरी यहाँ पे पी टेक है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ पी टेक और उसके अंदर लिख देता हूँ मैं हिंदी ट्यूटोरियल्स। तो यहाँ पे मैं सेव करता हूँ और इस फाइल को मैं यहीं से रन करता हूँ ब्राउजर में। तो मेरे पास यहाँ पे ब्राउजर में ये फाइल आ चुकी है, ठीक है, हिंदी ट्यूटोरियल। तो मैंने यहाँ पे सेस कहाँ पे लिखी, यहाँ पे मैंने पी पे कलर दिया है, ऑटोमेटिकली अपने आप यहाँ पे आ चुकी है। तो आपको मैं बता देता हूँ कि आप इसको मैं यहाँ पे कलर चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं कलर दे देता हूँ ग्रे और सेव जब करता हूँ तो यहाँ पे अपने आप ही सेव हो जाता है, ठीक है। तो जब यहाँ पे ये सेव हो गया है तो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे हमें फाइल क्रिएट करनी है सी एस एस की और यहाँ पे अपने आप ही जो सी एस एस है वो आ जाएगी और इस फाइल को हमें यहाँ पे एच टी एम एल में अटैच यानी कि लिंक करवाना है, ठीक है। तो ये हमारा था इंस्टॉलेशन सेस का। तो मैं आपको बता देता हूँ कि अगले वीडियो में मैं मिलूंगा वेरिएबल को कैसे क्रिएट करना है उसके साथ, ठीक है। तो मैं आपको बता, ये वीडियो बहुत अहम पी है फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप सेव करके करना है तो वो सेव कर लीजिए, इस वीडियो को आप बार बार देखना है तो बार बार देखिए, लेकिन यहाँ पे सास का ये बेसिक और बेसिक में बेसिक इंस्टॉलेशन था, इससे इजीएस्ट इंस्टॉलेशन आपको कहीं नहीं मिलेगा।
ठीक है। तो अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय फ्रेंड्स।